बैक टू माई चैनल प्रीति फैमिली ब्लॉग। तो आज आपके सामने मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैं आपके सामने लेकर आई हूँ गए हैं फ्लिपकार्ट से कुछ कर्टेंस, जिसका मैं रिव्यू आपके सामने करूँगी और अनबॉक्सिंग भी करूँगी, क्योंकि मैंने अभी खुद भी खोल के नहीं देखे हैं कि मुझे कैसे रिसीव हुए हैं। मैंने जिस तरीके के देखे थे फ्लिपकार्ट, मुझे उसी तरीके के रिसीव हुए हैं। कपड़ा सेम है, डिज़ाइन सेम है या नहीं है, आपके सामने खोल के देखूँगी। तो हम एक ही चीज़ देखते देखते पता बोर हो जाते हैं। घर में कर्टेंस हो, बेडशीट्स हो, कलर हो, एक ही चीज़ देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो फिर हमारा चेंज करें ताकि हमें अच्छा लगे देखने में। तो बस मेरा मन था अपने घर के कर्टेंस चेंज करूँ, तो बस मेरे को फ्लिपकार्ट पे कट थे, तो बस मैंने वही ऑर्डर किए हैं। चलिए तो फिर खोल कर देखते हैं दोनों की कैसे लगते हैं। चलिए तो फिर आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो फिर मैं आपके सामने ज़्यादा पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खोल के दिखाती हूँ, अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि मुझे किस तरीके के रिसीव हुए हैं। फर्स्ट है ये, मुझे दो दिन पहले ही रिसीव हुए थे लेकिन मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर उसके बाद सैनिटाइज करके। तो आज मैं आपको इन्हें ओपन करके दिखा रही हूँ, देखते हैं चलिए कैसे निकलते हैं। वहाँ पे फ्लिपकार्ट पे देखे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, उस तरीके के है नहीं है, कलर वैसा है नहीं है, सस्पेंस रहता है ना। ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो थोड़ा सस्पेंस रहता है, और अगर जो हम किसी भी लोकल शॉप से परचेज करते हैं, लोकल मार्केट से परचेज करते हैं, तो अच्छे से हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके की पैकिंग में रिसीव हुए थे और लग तो रहे हैं वैसे जैसे मैंने देखे थे, और कपड़ा वगैरह देखते हैं। तो ये मैंने 4 पीस मंगाए हैं, ये 9 फीट के हैं, 4 पीस मंगाए हैं। तो इसका 2-2 का सेट था, तो एक तो ये 2 पेयर हैं और एक 2 ही पेयर हैं। चलिए एक खोल के देखते हैं क्योंकि सेम ही है दोनों। तो देखिए कुछ इस तरीके के हैं, कपड़ा तो अच्छा है इनका, काफ़ी मोटा है, पता नहीं आपको पता चल रहा होगा नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन कपड़ा तो इसका काफ़ी मोटा है, अच्छा है कपड़ा काफ़ी, और काफ़ी शाइनी भी है पीछे से ऐसे हैं। तो ये डबल शेड में है, देखिए इस तरीके के हैं। डबल शेड में हैं ये, पीछे से कुछ इस तरीके के हैं। कपड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेंथ भी मुझे इसकी पूरी लग रही है, 9 फीट के मंगाए थे जैसे मैंने, 9 फीट के ही हैं। ये डबल शेड में हैं, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन, क्योंकि मेरे रूम में ग्रीन कलर का पेंट हो रखा है तो मैंने उसी के मैचिंग मंगाए हैं ग्रीन कलर के। पहले भी जो मैंने लगा रखे हैं वो ग्रीन कलर के हैं, प्रिंटेड और प्लेन मिक्स करके। तो इस बार मेरा ही शेडेड का मन था और मुझे देखते ही पसंद आए, और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं ये, शायद से अभी देख कर बताती हूँ। मुझे ये लिखा इसका रेट, ये 1190 रुपये में मुझे मिले हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसके अंदर। 1190 रुपये में मुझे 2 पेयर्स मिले हैं, अलग अलग 2 सेट मैंने, मेरे को 2 चाहिए थे तो इस वजह से मैंने 2 पेयर्स मंगाए हैं। तो ये 1190 रुपये के मुझे मिले हैं, फ्री डिलीवरी थी तो डिलीवरी का तो कोई चार्ज नहीं लगा है। अगर जो आपको पसंद आए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो ये देखिए है, एक ये है और 2 मुझे सेम मिले हैं, 2 ये। तो इस तरीके के मैंने 4 मंगाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आप खरीद सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अच्छा है इनका कपड़ा, काफ़ी हैवी है और शाइन भी अच्छी है। देखिए एक तो थे ये, एक पता है वैसे मेरे को 8 फीट के चाहिए थे, 8 या 7.5 फीट के चाहिए थे। पता है ऑनलाइन मैंने पहली बार कर्टेन मंगाया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोचा कहीं छोटे ना पड़ जाए, एक बार लंबे होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, हम नीचे से फोल्ड कर सकते हैं, पर छोटे का कोई इलाज नहीं है। और फिर पता है एक्सचेंज करने में भी बस दिमाग ही ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से मैंने थोड़े से लॉन्ग ही मंगाए हैं। आप भी अगर जो मंगाएंगे तो लॉन्ग ही करके मंगाना, एक साइज़ बड़ा ही मंगाना, क्योंकि छोटे का कोई इलाज नहीं है, बड़े का तो इलाज है भी। अब मुझे अगर जो जितने भी बड़े होंगे
इन्हें मैं नीचे से फोल्ड कर सकती हूँ, इससे एक पर्दे में हैवीनेस आ जाती है और जो कि अच्छे लगते हैं, तो मैं इतने इतने इसको फोल्ड करूँगी, अच्छे लगेंगे। तो इस वजह से मैंने 9 फिट के मंगाए हैं, 7 फिट के थे, 9 फिट के थे और 5 फिट के थे ये। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ, और सेकेंड है ये मैंने अपने ड्राॅइंग रूम के लिए मंगाए हैं। पहले तो मैं उसी कलर के मंगा रही थी जिस कलर का पेंट हो रखा था, तो फिर लेकिन मुझे दूसरे पसंद आ गए तो मैंने दूसरे ऑर्डर कर लिए। देखते हैं चलिए कैसे हैं, खोल के इसको भी, वो तो अच्छे हैं। तो दूसरे ये हैं, ये मुझे कुछ इस तरीके की पैकिंग में मिले हैं। ये मैंने 2 पेयर मंगाए हैं। वैसे तो ये ऐसा कलर है किसी भी रूम के साथ जा सकता है, चॉकलेट कलर, ब्राउन कलर किसी भी रूम के साथ जाता है। चलिए खोल के देखते हैं। ये भी 9 फिट के हैं, 9x4 के। कपड़ा अच्छा है इनका भी, काफी हैवी कपड़ा है, देखिए पीछे से ऐसे हैं। तो इनकी खास बात ये है, मुझे क्यों पसंद आए हैं देखिए, ऊपर पूरे पर्दे पे ओम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है शिवाय। नीचे शिवाय लिखा हुआ है, पूरे पर्दे में बहुत ही बड़ा ओम बना हुआ है और नीचे इस तरीके का दिया हुआ है, ऐसे ओम लिखा हुआ है और ऊपर भी ओम लिखा हुआ है, ऊपर भी ओम लिखा हुआ है। तो काफी अच्छे लगे मुझे ये पर्दे भी, इसी तरीके के देखे थे मैंने, बिल्कुल इसी तरीके के मुझे रिसीव हुए हैं। ऊपर से कुछ इस तरीके के हैं और फिर आगे में इसमें लग रहा है ओम। कपड़ा भी काफी अच्छा है, काफी शाइनी है और काफी मोटा है। तो जिस तरीके के मुझे, मतलब मैंने देखे थे वहाँ पे, सेम बिल्कुल उसी तरीके के हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये मंगाना, ये बहुत अच्छे हैं ड्राइंग रूम के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये वाले। तो इसके भी 2 पेयर्स मंगाए हैं मैंने, 2 पेयर्स हैं इसके भी। एक तो ईयरिंग है, ये ड्राइंग रूम के लिए मुझे 2 ही चाहिए थे, दोनों सेम हैं जैसे मैंने ये दिखाए हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम है। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल होगी। तो ये कितने के आए हैं, मुझे मिले हैं 1050 रुपये के। तो ये मुझे 525 रुपये का एक पड़ा है। ये थोड़े महंगे हैं, ये 2 पेयर्स हैं, थोड़े महंगे थे शायद से, इसमें ओम बना हुआ है, ओम का प्रिंट है शायद इस वजह से। लेकिन कपड़े दोनों के बहुत अच्छे हैं, वो वाले पर्दे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं जो ग्रीन कलर के हैं, वो मुझे 1200 रुपये में मिले हैं 4। तो वो भी अच्छे हैं और ये अपनी जगह अच्छे हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पर जो न्यू है सब्सक्राइब करो। आपको जरा भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको अगर जो वहाँ से परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आप ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो